खदान संचालकों की मनमानी के चलते ग्रामीणों की समस्या बढ़ती चली जा रही है, जिसको लेकर अब ग्रामीण आक्रोशित हो गए और जाम लगाकर आंदोलन करने पर उतारू हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक पूरा मामला फतेहपुर जनपद के किशनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत संचालित हो रहे गड़िवा मोरम खदान का है, जहां से निकल रहे वाहनों की वजह से सड़क पूरी तरीके से टूटकर धराशाही हो गई है, जिसको लेकर ग्रामीण धरने पर उतारू हो गए हैं और रोड सही करवाने की जिद पर अड़ गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जब सड़क को सही करवाने के लिए खदान संचालक से कहा जाता है, तो खदान संचालक के असलाहधारियों द्वारा असलहों के दम पर रौब झाड़कर ग्रामीणों को डरवा दिया जाता है। आपको बता दें कि मामला यह है कि खदान से लेकर के जालंधरपुर गांव तक खदान से निकल रहे वाहनों ने रोड के चिथड़े उड़ा दिए हैं, जिससे जालंधरपुर गांव तक रोड से निकलना दुभर हो गया है, जिसको सही करवाने के लिए ग्रामीण जिद पर अड़े हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा और इस रास्ते को सही नहीं करवाया जाएगा और मौके पर अधिकारी नहीं आएंगे, तब तक ये जाम नहीं खुलेगा और खदान की गाड़ियां नहीं जाने दी जाएंगी। आप क्यों यहाँ पे एकत्रित हुए हैं आज? सर जी देखिए, हमारी रोड एकदम खदान वालों ने ओवरलोड वाहन निकाल निकाल के एकदम ध्वस्त कर दिया है। अच्छा, तो आज हमारे गांव का न कोई स्कूल जा सकता है, न बच्चे। देख लीजिए दर्शंकर भाई, दरवाजे कितना वो है। खदान संचालकों को कहा जाता है भैया रोड में मट्टी डलवा दीजिए, कुछ कर दीजिए। हाँ, एसआई जी को कहा गया, उनसे बात करते कहते कुत्ते हैं साले, भौंकते रहेंगे। तो हम लोग आए हैं। अच्छा, खदान संचालक से कहा तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये सब चलता रहता है। अच्छा, जहाँ खदान चलती वहाँ ये सब होता रहता है। क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? ये रास्ते में पैदल कोई निकल सकता है? अच्छा, पैदल आके दिखा दें, जो पैदल निकलने वाले हैं वो दिखा दें, मोटरसाइकिल बात हटाओ। तो किसने ऐसी हालात की है रोड की? घाट वाले परेशान किए हैं वो बताओ। कौन से घाट वाले हैं? अरे घाट वाले, मजगवा घाट वाले, गढ़ीवा वाले। अच्छा, इनसे कहा नहीं सही करवाने के लिए, मिट्टी डलवाने के लिए? बातचीत हुई है, कल के 24 घंटे हम करवा देंगे। अच्छा, अभी तक नहीं करवा पाए। अच्छा, तो इसीलिए आप लोग इकट्ठा हुए हैं? हाँ, इकट्ठा हुए हैं, जब तक जाम रहेगा, जब तक ये रास्ता व्यवस्था नहीं हो पाएगी।